हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना आदित्य फिर से एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। चैत्र मास की इस पावन अवसर पर चंद्रपुर में, रायपुर से यहाँ की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है। यह माता की सभी शक्ति पीठों में से एक है, जो कि महानदी के किनारे स्थित है। इसके दूसरे ओर नदी के उस पार माता नाथलदाई विराजमान है, जिसके दर्शन के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। देखिए, मंदिर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर को राजा चंद्रहास ने बनवाया था। यहाँ पे जगह जगह आपको भगवान के अनेक प्रतिमाएं दिखाई देंगे। सुबह सुबह यहाँ का रौनकता और भी बढ़ जाता है। सामने में नदी और साथ में इस पावन स्थल का मनोरम दृश्य। यहाँ का प्रांगण को बहुत अच्छे बनाया गया है। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, यह मेरा दूसरा या तीसरा बार है। यहाँ सामने में कुछ विशेष लीलाओं का दर्शन है। ये देखिए, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए महिषासुर मर्दनी और माँ काली जिनका खूबसूरत चित्रण किया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, और नवरात्र के समय तो आप यहाँ पे पैर भी नहीं रख सकते, ऐसी स्थिति होती है। इतना भीड़ और इतना श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ा रहता है। यहाँ पे देखिए, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का मूर्ति प्रतिस्थापित किया गया है, जो कि देखते ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, कौरव और पांडवों के बीच में चौसर का खेल और माता द्रौपदी का चीरहरण का विशेष झांकी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ आगे बढ़ने पर हमें श्री हनुमान जी का विशाल काय मूर्ति देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये सब भाई लोग देखिए कैप्चर कर रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हो। देखिए कितना विशाल काय मूर्ति है। अर्धनारीश्वर मंदिर, और जस्ट इसके दूसरे तरफ विपरीत दिशा में आपको अर्धनारीश्वर का भी एक विशाल काय मूर्ति देखने को मिलेगा। चलिए दर्शन करके आते हैं। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात श्री हनुमान दादा अपने को समक्ष खड़े हुए हैं। चलो ऊपर, यहाँ पे आगे बढ़ने पर माता का प्रतिमा सामने में जोत उनको प्रज्वलित किया गया है। यहाँ पे हर रोज इसी ज्योति प्रज्वलित की जाती है, और यहाँ 12 महीना प्रसाद वितरण होता है। वो कौन सा रहा, और हमेशा आपको ऐसे ही श्रद्धालुओं को भीड़ देखने को मिलेगा। चलो 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 चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं मुख्य मंदिर की ओर। ये देखिए मुख्य मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पर एक भैया बैठे हैं और प्रसाद वितरण कर रहे हैं। यहाँ बहुत ही भारी मात्रा में प्रसाद का निर्माण किया जाता है, और यहाँ की आरती सुबह प्रातःकाल 4:30-5 बजे की जाती है। ये देखिए, यहाँ पर आप बैठ के विश्राम भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि अपने परिसर को स्वच्छ रखें। सही बात है, कहीं का भी हो, घर हो या परिसर हो या कार्यालय हो, हमेशा स्वच्छ ही रखना चाहिए। देखिए श्रद्धालुओं का कितना बड़ा लंबी लाइन लगा हुआ है। चलिए हम भी प्रतीक्षा करते हैं अपने नंबर आने तक का, लगे हैं लाइन में। यहाँ देखिए कोई शोर शराबा नहीं, कोई हुल्लड़बाजी नहीं, बहुत ही शांत और रमणीय दृश्य है। ये देखिए फाइनली मेरा नंबर आ गया। यहाँ पे देखिए यही है माता जी का मंदिर। कहा जाता है इसको कोई भी सामने से नहीं देख सकता, जो भी देखता है इनको पीछे से देखते हैं। इनका मुख चंद्रमा के आकार के हैं, इसलिए इनको चंद्रहासिनी देवी कहा जाता है। इनको लेकर अनेक प्रसिद्ध चमत्कारिक कथाएं हैं, और माता जी ने अनेक चमत्कार किए हैं।
ये देखिए ये भी निगरानी में बैठे हैं। यहाँ से प्रसाद लेने के बाद हम आगे चलेंगे जहाँ पे अर्धनारीश्वर का मूर्ति स्थापित है और वहाँ पे माताओं का पूरा नव रूपों का प्रतिमा को स्थापित किया गया है और बीच में भगवान अर्धनारीश्वर विराजित है। ये देखिए ये माता जी के नव रूपों का यहाँ पे प्रतिमा है। ये देखिए और ये है अर्धनारीश्वर का मंदिर। सामने में आपको गार्डन भी देखने को मिल जाएगा जो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। बीच बीच में ऐसे कुंड बना दिए हैं जो रात के समय और भी अच्छे लगते हैं। नवरात्र के समय यहाँ दिखते ही बनता है। ये देखिए मंदिर की मूर्ति की विशालता। जय अर्धनारीश्वर। ये देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब हम लोग ज्योति कक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ करीब 2-3 कक्षों में ज्योति कलश मढ़ाया जाता है और दीप प्रज्वलित किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2351 ज्योति। चलिए पूछ लेते हैं कितना जलत भैया, कितना दीप जलत है यहाँ? 2351 तक। अच्छा बाकी दीप कौन से तरफ जलत है? दूसरा कक्ष। ठीक ठीक। देखिए भाई कितना अधिक मात्रा में यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया गया है। माता जी का ज्योति यहाँ पे जल रहा है। सभी लोगों को तो यहाँ आने नहीं दिया जाता है लेकिन हम लोग बहुत ही रिक्वेस्ट किए तो फिर हम लोग को इजाज़त दिया गया कि आप आ सकते हैं। कि यहाँ पे इतना अधिक मात्रा में दीप प्रज्वलित है कि यहाँ पे कोई भी आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा। इतना अधिक ताप है यहाँ पे दीप का और पूरे घी और तेल की सुगंध से भरा हुआ ये कमरा। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी आग के सामने बैठा हुआ हूँ। और देखिए कितना मस्त लग रहा है यहाँ का नज़ारा, बहुत ही सुंदर दिखाई देता हुआ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए आदि क्रिएशन। जय जोहार।